हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों को पैन डाउन स्ट्राइक को लेकर आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी निर्णय डॉक्टरों की मांगों को लेकर नहीं हुआ है। ऐसे में आगामी समय में डॉक्टर एसोसिएशन पैन डाउन स्ट्राइक का समय और ज़्यादा बढ़ा सकती है। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल की। सोमवार को यहां पर मरीजों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं पिछले लंबे समय से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। कुछ समय पहले डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और अब पिछले 21 दिन से वे पैन डाउन स्ट्राइक पर हैं। 12 बजे तक यह स्ट्राइक चलती है और इसके बाद डॉक्टर मरीज देखते हैं। ऐसे में अस्पतालों में धीरे धीरे मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर्स की माने तो आगामी समय में इस पैन डाउन स्ट्राइक का समय बढ़ाया जा सकता है। आज 21 दिन हो चुके हैं हमें पैन डाउन स्ट्राइक पर। बीच में हमने एक मास कैजुअल लीव भी की थी। सभी डॉक्टर्स 2900 डॉक्टर जो है स्टेट के जो है काफी दिनों से 9 महीने से जो है अपने प्रोटेस्ट में है और इस बीच में सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो अभी तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। अब जो है जो डिसाइड किया गया था, क्योंकि हर बार मिल रहे थे प्रतिनिधि मंडल और 5 बार जो मीटिंग भी हुई सीएम के साथ, जो एक तरह से हम अनऑफिशियल मीटिंग ही बोलेंगे क्योंकि कोई भी मिनट्स ऑफ मीटिंग उन मीटिंग्स के बाहर निकल के नहीं आए, तो धरातल पे अभी तक कुछ भी नहीं है। इसके बाद सीईसी ने डिसाइड किया गया था कि अब हम जो है ऐसे नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है, तो यदि गवर्नमेंट वार्ता के लिए एक ऑफिशियल मीट के लिए बुलाती है सीईसी को तभी जो है मिलेंगे, वरना पीछे पीछे नहीं भागेंगे हम। आगे का क्या कदम रहेगा आपका? आगे के लिए जो है रणनीति जो है सीईसी डिसाइड करेगी, परंतु यदि सरकार, ये 2 कैबिनेट मीट है, एक आज है एक परसों भी होने वाली है सुना है, यदि हमारे मुद्दे को नहीं डिस्कस करती है तो किसी ना किसी तरह से इस स्ट्राइक को जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जाएगा, या फिर मास का जो लीव भी एक सुजेस्ट की गई है जो सभी डॉक्टर तैयार हैं, यदि इस तरह की यदि परिस्थिति में डॉक्टर्स को खड़ा करती है सरकार, तब डॉक्टर्स जो है इस बार ये कदम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स के हित की बात नहीं और ये सारी जनता के हित की बात है कि उनके लिए उनको प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जाना पड़े या डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिशनर बना के उनसे जो आज फ्री सर्विस दे रहे हैं 5-6-7 बजे तक भी डॉक्टर बैठ के देख रहे हैं, वो बाद में अपनी सब अपने अपने क्लिनिक में जाके बैठेंगे। और सरकार जो है ये चाहती है कि जो गरीब जनता है वो अपनी जो आज फ्री में दिखा पा रहे हैं, कल वो फीस दे के डॉक्टर को 200-400 रुपए फीस दे के अपने आप की ट्रीटमेंट ले, तो ये बहुत ही गलत कदम है सरकार का और हम इसकी निंदा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपसे बातचीत की इस विषय में? स्वास्थ्य मंत्री काफी हमारे डिमांड्स को मानते भी हैं, उन्होंने जितनी भी प्रेस वार्ता हुई है हमसे जितनी बार मिले हैं हमारे सीसी के मेंबर्स, उन्होंने हर बार कहा है कि आपकी डिमांड जायज है, आपको ये मिलना चाहिए, आपका अधिकार है ये मिलना चाहिए, परंतु अब सरकार जो है जो सीएम जो है वो नहीं, मे भी उनका अपना भी थोड़ा सा रुझान लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो डॉक्टर्स के एंटी हैं और उनका जो ये ढांचा पूरा ब्यूरोक्रेटिक अफसर शाही है वो भी उनकी बात नहीं सुनती है, मुझे ये लगता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है कुछ अच्छा कदम उठाए और ये जनता की और डॉक्टर्स की समस्या को सुने।